आज हम आपको सरसों तेल के रेट के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो है आसाम गोल्ड तेल जो है वो खाली हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सब आसाम गोल्ड तेल है। तो आज हम आपको सरसों ऑयल के रेट के बारे में बताने वाले हैं। देखते हैं छोटा मार्का में जो ग्रामीण एरिया में खुल के बिकता है आसाम गोल्ड, काफ़ी अच्छा ब्रांड तेल आता है इसका, आसाम गोल्ड काफ़ी ज़्यादा हमारे एरिया में बिकता है, देख सकते हैं। और एक ब्रांड आया सेरा, ये भी देख सकते हैं वहाँ पे लग रहा है सेरा ब्रांड। तो आज हम इस सरसों तेल के रेट के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये सरसों तेल का जो गाड़ी है मेरा खाली हो रहा था, आसाम गोल्ड तेल है इसमें। तो आज हम आपको छोटा मार्का में रेट बताने वाले हैं वज़न के हिसाब से कि कौन सा वज़न का क्या रेट चल रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये आसाम गोल्ड तेल है जो अभी खाली हो रहा था, तो इसको वज़न करके दिखाते हैं। तो कोई भी सब्सक्राइबर तेल ले तो वज़न करके ख़रीदें काउंटर पर। ये आप देख सकते हैं 13 किलो 886 ग्राम है, तो लगभग 14 किलो आता ही है इसमें आसाम गोल्ड में, लेकिन इस्टीना में कम है। और एक तेल और खाली हो रहा था ये सेरा ब्रांड का, देख सकते हैं 13 किलो 700 तेल आता है इसमें। तो हम तो यही कहेंगे कि जहाँ पर भी आप तेल लेते हैं तो वज़न करके लीजिए काटा पे। तो हम आज आपको वज़न के हिसाब से तेल के रेट के बारे में बताने वाले हैं। और एक तेल है सरसों कोलू छोटा मार्का में हमारे पास, इसका वज़न देख सकते हैं आप 14 kg। तो सबके वज़न के हिसाब से हम आपको इस वीडियो में रेट बताने वाले हैं। तो सरसों तेल का जो रेट है फिर से रेट जो है वो गिरना शुरू हो चुका है, देख सकते हैं इसमें कितना कम तेल है, 11 किलो 862 ग्राम। तो ये सारे वज़न का जो किस वज़न का क्या रेट चल रहा है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए काउंटर पे हम आपको बताते हैं। अभी मैंने आपको सरसों तेल का टीना वज़न करके दिखाया है, इसलिए वज़न करके दिखाया है क्योंकि छोटा मार्का में किसी में 14 kg आता है, किसी में 13 किलो आता है, किसी में 13 किलो 700 आता है। तो आप हमारा वीडियो किसी भी एरिया से देख रहे हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, किसी भी राज्य से देख रहे हैं, तो हम छोटा मार्का में आपको वज़न का रेट बताते हैं। टीना समेत वज़न का क्या रेट चल रहा है छोटा मार्का में जो ग्रामीण एरिया में खुल के बिकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किराना होलसेल से रिलेटेड किसी भी चीज़ में रेट बढ़ता है या गिरता है तो अली स्टोर पर आपको ज़रूर वीडियो देखने के लिए मिलता है। और आपको किसी भी चीज़ का, किसी भी किराना होलसेल का, अगर होलसेल रिटेल रेट दोनों जानना है और आपको पूछना है तो आप हमारे पुराना से पुराना कमेंट वीडियो में जाके कमेंट कीजिए, हम ज़रूर आपका कमेंट में आपको रिप्लाई करेंगे, सारा कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं। तो आप अगर छोटा मार्का का अगर हम आपको ब्रांड के बारे में बताएंगे तो हमारे एरिया में 1000 ब्रांड चल रहा है, तो हम कितना ब्रांड का आपको रेट बताएंगे। तो इसीलिए मैंने वज़न पर आज वीडियो लेकर आया कि किस वज़न का क्या दाम चल रहा है। और सरसों तेल में अभी तेज़ी नहीं है, मंदी है, क्योंकि बीच में जो दीपावली छठ के टाइम पर तेज़ी था और अभी जो है सरसों तेल का रेट लगभग 10 दिन से एकदम से रुका हुआ है, 1.5 रुपया रेट जो है गिरा है, उसके बाद एकदम रेट जो है वो रुका हुआ है, तो कोई तेज़ी नहीं है सरसों तेल में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरसों तेल आप ना खरीदें क्योंकि रेट और डाउन होगा, जहाँ एक दो मंथ पहले जहाँ पर रेट था वहाँ पर आके रुकेगा ज़रूर। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अली स्टोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहले हम आपको जो आसाम गोल्ड टीना वज़न किया है हमने 14 किलो में आसाम गोल्ड टीना, उसका होलसेल रेट आपको बताते हैं। 14 kg वज़न जो छोटा मार्का में आता है उसका जो रेट है, आपको अगर 50 टीना 100 टीना आप लेते हैं तो 1325 रुपये का दाम पड़ता है आपको आसाम गोल्ड। अगर आप एक टीना लेते हैं तो 1330 रुपये से लेके 1340 रुपया 14 kg वज़न का तेल का रेट पड़ेगा। उसी जगह सरसों कोलू तेल था जो 14 किलो वज़न में है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सरसों कोलू 14 kg वज़न में, उसका जो रेट है वो 1320 रुपये का दाम है होलसेल में 100 टीना 50 टीना वाले के लिए। और अगर रिटेल का बात करेंगे तो 1340 रुपये का रेट है। और उसके बाद सेरा ब्रांड मैंने वज़न किया 13 किलो 750 ग्राम वज़न में, जिसका जो 13 किलो 750 ग्राम वज़न था उसका होलसेल रेट अगर 100 टीना 50 टीना का बात करेंगे तो उसका रेट है आज का रेट 1290 रुपया, और रिटेल रेट जो है 1310 रुपये का रेट रिटेल रेट है। उसके बाद अगर 13.5 किलो टीना वज़न, टीना समेत वज़न उतर रहा है काटा पे छोटा मार्का में, तो उसका जो रेट होगा आज के रेट पे 1260 रुपये का रेट होगा होलसेल रेट, रिटेल रेट 1270 रुपये का रेट होगा। और उसके बाद अगर से 11 किलो 800 वज़न का तेल होता है, क्योंकि सबसे कम वज़न 11 किलो 800 का आता है, अगर वो दाम का तेल होगा तो 1100 रुपये होलसेल का रेट होगा।
और रिटेल रेट जो है वो 1120 रुपया 1110 रुपये रिटेल का रेट होगा। उसके बाद अगर से 12 केजी 550 ग्राम टीना समेत वजन आ रहा है घानी ब्रांड का है, किसी भी ब्रांड का आपके एरिया में अगर टीना समेत 12 केजी 500 ग्राम वजन अगर उतर रहा है छोटा मार्का में, तो उसका जो रेट है उसका रेट 1160 रुपया होलसेल रेट हुआ और रिटेल रेट 1170 रुपये का रेट होगा। तो ये मैंने आपको वजन पर बता दिया। आप हमारा वीडियो यूपी से देख रहे हैं या बिहार से किसी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं या बंगाल के किसी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, अगर आपके एरिया में छोटा मार्का आ रहा है जो ग्रामीण एरिया में खुल के बिकता है तो वो ज़रूर वज़न करके लें। कोई भी सब्सक्राइबर अगर तेल खरीद रहे हैं तो वज़न करके खरीदें, क्योंकि छोटा मार्का में काफ़ी ज़्यादा तेल जो है, कोई मिल वाला जो है 13 किलो पैक कर रहा है, कोई 14 किलो पैक कर रहा है, कोई 12 किलो कर रहा है, कोई 12 किलो से कम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें चोरी हो रहा है। तो टीना में 15 लीटर लिखा रहता है लेकिन वज़न जो है वो कम आ रहा है, तो रेट पर नहीं जाएं, वज़न पूरा वज़न का तेल लें, क्योंकि पूरा वज़न का लेंगे तो आपको जो कम वज़न का होगा उसमें गत्ता ज़्यादा मजबूत होगा, उसमें कूट ज़्यादा मजबूत होगा। जैसे आसाम गोल्ड का कूट आपने देखा कि पूरा पतला है, और 11 किलो का जो तेल 1100 का जो दाम का उसका कूट काफ़ी ज़्यादा मोटका है, लगभग 400 ग्राम का कार्टून उसमें लगा रहता है। तो इसीलिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप अगर छोटा दुकानदार हैं तो ये चीज़ को ज़रूर देख कर लें, देख कर खरीदें, क्योंकि वो आपका मेहनत का पैसा रहता है और आप उसको ले जाकर 10 रुपये कमाना चाहते हैं, तो कम के लालच में आकर आप ज़्यादा से कम के लालच में आके आप कहीं आपका नुकसान ना हो, तो आप पूछ कर देख कर समझ कर देख कर लें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।